नमस्कार। आपके निर्देशानुसार दोनों जिला कलेक्टरों के साथ और जिलाधिकारियों के साथ मैंने वीसी ले ली थी। प्रमुख रूप से जो पीने के पानी की समस्या उठाई है, सिवाना में वास्तव में प्रॉब्लम है। अभी 5 ट्यूबवेल हमने सेंक्शन किए थे, उसमें दोनों कुएं सूखे निकले, लेकिन जिला कलेक्टर को परिवहन के लिए पैसे दिए हुए हैं, वो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जहां जहां पानी नहीं पहुंच रहा है परिवहन के माध्यम से वहां पानी पहुंचाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट की जो पानी की स्कीमें हैं उसमें ठेकेदार के काम नहीं करने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बेसिस के आधार पर नए टेंडर करके उन कामों को शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक माइग्रेंट लेबर का सवाल है, इसमें मेरा एक सुझाव है कि किसी के घर में मान लो मरना हो जाए अथवा कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसके पासेस तो जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए जाने चाहिए। लेकिन जो लॉकडाउन के कारण लोग फंस गए हैं, उसमें जो आपने अभी प्रक्रिया बनाई है वो बिल्कुल अच्छी है, उसके आधार पर लोगों का आवागमन किया जा सकता है। आपने स्पेशल ट्रेन के बारे में भी प्रबंध किए हैं और भी परिवहन की जो व्यवस्था की है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मनरेगा में प्राय बाड़मेर और जैसलमेर में निजी काम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक जो नाड़ियां हैं उनका काम, सड़क का काम, सीएडी वर्क कहीं चल रहे हो तो उन काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा बाड़मेर में और जैसलमेर में खासतौर से स्वास्थ्य कर्मियों के पद काफी रिक्त हैं, अन्य विभागों के भी रिक्त पद है, उनकी सूची मैंने मंगवाई है। मेरा आपसे आग्रह है कि सभी संबंधित विभागों को ये निर्देश दिए जाएं कि रिक्त पदों की पूर्ति कर दे तो इन जिलों में अच्छा काम हो जाएगा कोविड-19 के वक्त में। इसके अलावा टिड्डी की जो समस्या है बायचू क्षेत्र में विशेष रूप से आई है और आगे आने वाले वक्त में निश्चित रूप से ये काम टिड्डी उन्मूलन का भारत सरकार का है। भारत सरकार की गाड़ियां बहुत कम है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से पिछली बार भी करीब करीब 60 गाड़ियों से टिड्डी उन्मूलन का कार्य इन दोनों जिलों में किया गया था और आगे भी पूरी व्यवस्था है। लेकिन भारत सरकार से मैंने जिला कलेक्टर को ये कहा है कि वो तालमेल करके उनकी संख्या बढ़ाएं और टीडी उन्मूलन के बारे में पहले हवाई स्प्रे वगैरह किया जाए जा रहा था, उस काम को भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये बात सही है कि कोरोना के साथ अपने को जिंदगी को जीना पड़ेगा, इसलिए धाराएं तो जमानी तो हमेशा लागू रहे, लेकिन मास्क का लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह इसको साथ रखते हुए धीरे धीरे सुपर मॉडिफाइड लॉकडाउन को आपको जारी रखना चाहिए।